हेलो गाइस, वेलकम टू द लिकर नॉलेज। दोस्तों, आज मेरी फेवरेट बेलवेडेर 15 सिंगल मोल्ट विस्की के बारे में बात करेंगे। इसको कैसे बनाई जाती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, आज उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बेलवेडेर डिस्टिलरी की स्थापना सन 1790 में जॉन रॉस द्वारा की गई थी, जो कि स्कॉटलैंड के एंडरटन रॉसशायर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। डिस्टिलरी के स्थापित होने के कुछ सालों बाद 1824 में उनके बेटे एंड्रू रॉस भी उनके साथ शामिल हो गए, लेकिन 1948 में पैसों की मंदी के कारण उन्हें वो डिस्टिलरी रॉबर्ट कमिंग को बेचनी पड़ गई। इसने तुरंत डिस्टिलरी का विस्तार किया और विस्की के उत्पादन को बढ़ाया। उसके बाद सन 1970 में उनकी मृत्यु के बाद इस डिस्टिलरी को सन 1996 में इनवर्स डिस्टिलरी हाउस ने इसको खरीद लिया गया। उसके बाद दोस्तों, वर्तमान में अभी भी इस डिस्टिलरी का मालिकाना हक इनवर हाउस डिस्टिलरी ही रखती है। और दोस्तों, इसको भी बनाने में सेम जो को पानी में भिगोकर उसको माल्टिंग फ्लोर पर अंकुरित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इसमें खमीर मिलाकर, जो ड्राई ईस्ट होता है बेसिकली, उसको मिलाकर इसको मैश करके इसको पकाया जाता है। और उसके बाद दोस्तों, उसको 2 से 3 बार इसको डिस्टिल कराया जाता है। और इसकी एजिंग को बढ़ाने के लिए इसको अमेरिकन ओक, फ्रेंच ओक और बर्बन कास्क में इसको मैच्योर कराया जाता है। दोस्तों, इसका टेस्ट आपको डार्क चॉकलेटी, फ्रूट्स टाइप का मसालेदार और थोड़ा हिंट ऑफ वनीला टाइप का टेस्ट आएगा। इसको आप ऑन द रॉक्स पानी के साथ, सोडा के साथ या आइस क्यूब के साथ आप इसको ड्रिंक कर सकते हैं। इसमें 46% इसमें अल्कोहल होता है और 1 लीटर की बोतल है ये। बाकी उत्तराखंड में तो ये 11,995 रुपये की है, 11,995 की। आपके कंट्री में, आपके शहर में क्या प्राइस है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।